सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एस ट्वेल्व अपडेट। तो आपको पता है ये टीम सोल #4 आती है BGIS लैन में, जो कि अभी हैदराबाद में हुआ था, एंड चैम्पियन बनती है टीम एक्सपार्क। तो लाइक मेजी भाई अभी आज स्ट्रीम किए थे, तो किसी ने पूछा था कि टीम सोल में चेंजेस होने वाले हैं क्या, और इसके रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट दिया था वो देख सकते हो। और साथ में आपको बताइए, लाइक मेजी भाई ने ट्वीट भी किया था कि जो टीम एक्सपार्क जीत रही है BGIS और टीम सोल नहीं जीतेगी, तो उसके रिगार्डिंग भी लाइक थोड़ा सा कुछ अपडेट दिया था। तो क्या कुछ कहा था वो आप देख सकते हो। इंटरनेशनल स्लॉट मिलेगा क्या? इंटरनेशनल स्लॉट मिलेगा नहीं, इंटरनेशनल देखो ऐसा तो नहीं है कि सितंबर 29 के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम खाली बैठे रहेंगे, ठीक है, वो तो हो नहीं सकता। CGXG ने क्या ही खेला, बाय द वे वाई सोल चोक्ड आफ्टर डे वन, और इस बार हर इवेंट में सोल को जिताना पनौती गया तेल लेने, अब आपको पनौती खत्म हो चुका है। पॉपकॉर्न वाला, देखो बात ऐसी है, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में ऑब्वियसली मैं बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि वो उनका इंटरनल सिचुएशन है, तो आई डोंट थिंक कि वो बात करना मेरे लिए सही है, पर ठीक है चलेगा। ऐसा पता नहीं, मैंने तुम लोग को वो ट्वीट डाला था ना, वो मेरा एकदम इंटरनल फीलिंग थी, सच बता रहा हूँ, वो एकदम मेरी इंटरनल फीलिंग थी कि शायद कुछ गलत होगा या समथिंग होगा मेरे को, एक्चुअली में पता चला कुछ तो था उधर, पर ठीक है, अब वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा तुम लोग को, तो एज सच इशू नहीं है। सोल में भी चेंजेस हैं, हो सकता है जोकर खेले। सोल में चेंजेस मैं तुम लोग को पहले बता चुका था, वो ट्वीट मैंने जब डाला था ना, तो 100 मेंबर कम बैक अगेन टू योर व्यूज। अनवित भाई, मुझे सच में लगता है ना कि वो रिवाइवल एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं थी, आराम से वो फाइट लेके जीत सकते थे और वहां से बहुत इजीली वो लोग चैंपियन बन सकते थे, पर एंड मोमेंट पर आकर वो गलती हो गई। पर ठीक है, सेकंड पोजीशन तक वो अपनी टीम को लाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इंटरनेशनल कब जाएगी? जाएगी नहीं, आएगी, और जल्दी आएगी। भाई इस बार का BMPS 4 दिन का लैन है ब्रदर, यानी 24 मैचेस, ओडे मजा आएगा। सोल में चेंजेस, सोल में एक बहुत बड़ा चेंज मैंने सुना था, पर शायद अब वो चेंज ना हो क्योंकि सिचुएशन बदल सी गई है, तो जब सिचुएशन बदल गई है तो शायद वो चेंजेस ना हो। बाकी यूट्यूब लिंक भेजो उस लड़की का, अगर किसी ने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस किया है, दिखाया है, तो वो है माइटी, सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। सोल विक चेंजेस वॉज मायावी या आयोगी में से था क्या? नहीं नहीं, ऑब्वियसली प्लेयर में से होगा। मजेदार बने, माइटी से इतना ज्यादा मैं खुश हूं ना, अगर ये सोल का बता दो क्या वो चेंज प्लेइंग फोर में होता या कोई नया प्लेयर ज्वाइन करता या जोकर कंक्लूजन होता, सब आज ही जान लोगे। पॉपकॉर्न भाई थोड़ा समय दो, थोड़ा थोड़ा समय दो। तो ये था मेजी भाई का अपडेट, और साथ में आपको बताइए, मॉडल भाई ने भी आज स्ट्रीम किया था, एंड मूवी भाई के कमबैक पे रिएक्ट किया है, टीम एक्सपार्क जो चैंपियन बनी है उस पर रिएक्शन दिया था, क्या टीम सोल में कुछ न्यू चेंजेस होने वाले क्या, और BGIS के मैचेस कैसे गए थे, टीम सोल का लो परफॉर्मेंस क्यों था, क्यों नहीं जीत पाई BGIS, और बहुत सारे अपडेट दिए हैं। तो चलते हम सीधा वो क्लिप के तरफ। BGIS का आदि ने बाय द वे बनाया है, आदि भाई डीमोटिवेट हो गए थे बीच में, रो दिया था हमको अंदर, आदि रो दिया था, फिर आदि ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। हम लास्ट दो मैच, हमारा हमको मैच देखना था बस, लास्ट दो मैच इसने रिकॉर्डिंग नहीं किया, ये सिर्फ देख रहा था। इट वाज ग्रेट टूर्नामेंट, होपिंग फॉर फोर्थ स्टार सून, या मैन फोर्थ स्टार ढूंढते ढूंढते फोर्थ पोजीशन पे आ गए हम गलती से, इट्स ओके, होता है, बट बहुत अच्छा था द एंटायर एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा टीम को अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला, और इस बार ना मैं बहुत एक्टिवली टीम का जो डिस्कशन था ना उसका हिस्सा था, टैम मजा आ गया। सो अल्टीमेटली टीम से बात करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को भी पता है एंड हमें भी पता है कि 5-6 मैचेस गड़बड़ हुए हैं जिसमें बहुत कम पॉइंट्स निकले, एंड हमारा डिफरेंस है 26 पॉइंट का था सिर्फ,
तो नेक्स्ट टाइम वील कीप ऑल ऑफ दिस इन माइंड एंड बहुत मजा आने वाला है. चेन टुगेदर होगा क्या? यस होगा, 10:30 बजे चेन टुगेदर होगा सेम उसके साथ. बाय द वे यस, अ ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू स्काउट ओपी, फाइनली ट्रॉफी उठाते हुए टीम एक्स पार्क. एंड वही डिफरेंस था मालूम है बिटवीन अ चैंपियन एंड अदर टीम्स, बिटवीन चैंपियन एंड अदर टीम्स, वो कंपोजर एंड वो कंसिस्टेंसी जो इन्होंने मेंटेन किया टीम एक्स पार्क ने, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था. यप, 5-6 मैचेस हमारे बहुत खराब गए थे, बट एटलीस्ट दे नो क्या गड़बड़ है क्या सही है. तो मेरे को बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे डिस्कशन के बाद आई डिड नॉट फील कि कुछ गड़बड़ है हमारे टीम के साथ, एवरीथिंग इज ऑल राइट. इट वॉज जस्ट दैट वो सोचो ना भाई, 26 पॉइंट का फर्क था सिर्फ, ज्यादा नहीं था, बट हम लोगों ने यस बात किया, सब सही है. एंड वी आर नेक्स्ट टूर्नामेंट की तरफ हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट टूर्नामेंट में मजा आएगा बहुत. फील द स्पार्क भाई, सबको झटके लग रहे हैं ना अभी, वही वही हो रहा है. साउथ भाई जीत गए, सबको झटके लग रहे हैं. फील द स्पार्क हो गया सबको. लास्ट डे का वो 12 किल वाला मैच अगर बड़ा हो जाता ना तो सोल विन करती, जोन भी था अपने पे. हाँ मतलब वहाँ पे थोड़ा सा राइट प्लेस, तो अभी तो वहीं पर है, निकलेंगे वो लोग अपने अपने घर के लिए, घर या जो भी नेक्स्ट उन लोग का रहेगा. एक्चुअली 26 इज अ बिग लीड, एग्जैक्टली 26 इज अ बिग लीड, बट वही हमारे जो 6 मैचेस थे जो हमने मिस्टेक किए, 6 मैचेस में स्पेसिफिक मिस्टेक्स, वो नहीं होते तो डिफरेंस बहुत अलग होता. बट या अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, दैट इज यही 6 मैचेस डिफरेंस था. ओ या प्रो मावी, इनसेन मावी ने जो खेला है भाई, बहुत 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 जबरदस्त. क्या आईजेलिंग किया है भाई मावी ने भी, बंदे ने प्रूव कर दिया भाई. आप खेलो टूर्नामेंट प्लीज बडी. टाइम जो मैंने बहुत ज्यादा टीम के साथ टाइम स्पेंड किया, एंड आई गेस हम लोग वेरी मच अलाइंड है अगले टूर्नामेंट के लिए, अगले 2 टूर्नामेंट्स के लिए, तो एकदम मस्त. नेक्स्ट का वेट करिए आप लोग. कोई नहीं ब्रो, नेक्स्ट टाइम तुम ही, नेक्स्ट टाइम हम ही जीतेंगे. आई एम स्पार्क्स फैन, एक्सपार्क फैन. आइए देखेंगे देखेंगे देखेंगे, मजा आएगा. नेक्स्ट टाइम और इंटेंस कर देंगे हम लोग. अगर BGMS एंड BMPS में परफॉर्म नहीं किया तो नेक्स्ट लाइनअप क्या? पर साधवानी जी, स्पॉट डिसीजन लिया ऑन द स्पॉट, एज इन जब इवेंट हो जाता है उसके बाद डिसाइड किया जाता है, पहले थोड़ी ना डिसाइड कर लेते हैं. मिसिंग देयर कंसिस्टेंसी, यप यप यप, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया खेले हैं, जितना खेले उतना अच्छा खेले हैं, जितना आगे हैं वो ही फर्क हो गया बस. टीम में कोई चेंजेस होने वाले हैं या नहीं? कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ऑलरेडी टीम डिस्कशन, टीम मीटिंग हो चुकी है रिगार्डिंग द सेम. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको कहीं से भी कुछ भी रूमर आ रहा है तो वो गलत है, सो डोंट वरी. तो ये था मॉडल भाई का कुछ अपडेट, एंड चलते हैं हम अब सीधा अब स्काउट भाई के अपडेट की तरफ. तो स्काउट भाई ने लाइक आज स्ट्रीम किया था एंड कुछ बहुत सारे अपडेट दिए हैं. तो आपको बताइए, अभी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आने वाला है, तो क्या वो इंडिया नेपाल होगा या इंडिया कोरिया होगा या क्या होने वाला है? वो लीक्स मिल चुकी है, तो वो भी आपको लाइक देखने को मिल जाएगा. और साथ में आपने तो डेट देख ही लिया होगा जो कि मेजी भाई ने अपडेट दिया था अपने उसमें. और आपको बताइए, जब टीम एक्स पार्क चैंपियन बनी थी तो लाइक स्काउट भाई ने इंटरव्यू में थोड़ा सा बैंटर किया था, तो क्या वो गॉड लाइक को ट्रोल कर रहे थे कि क्या थे? तो उन्होंने वो भी अपडेट दिया है और हेटर्स को रिप्लाई भी दिया है. तो क्या कुछ कहा था स्ट्रीम पे, वो आप देख सकते हो. और आप लोग बताओ, ट्रॉफी आ गई? यस फाइनली आ गई, फाइनली आ गई. पता है हम लोग जैसे कि सोल के जैसे में 3 स्टार लगते हैं राइट, हमारे जैसे में आपसे 2 लगेंगे, एक PMCO फॉल 2020 का और इस साल BGIS 2024. वैसे ऑनेस्टली आप लोग बताना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वाला जो टूर्नामेंट था, दिस वॉज पीक कॉम्पिटिशन इंडिया एवर विटनेस्ड? लाइक कॉम्पिटिशन कह दो उसको, कि अगर आप उसको गेम का टफनेस बोल दो, प्लेयर्स की क्वालिटी बोल दो, मतलब भाई क्रेजी. मैं को तो अच्छा हो कि जो लोग हैक करते और प्रॉपर इस बार ये था एक रियल टूर्नामेंट पिछले 4 साल में, जहां पे असली अंडरडॉग, T1 की बात नहीं कर रहा हूँ, असली अंडरडॉग्स जो असली में मेहनत करते थे वो पहुंचे हैं.
और कैसे हो भाई, मजाक छट के यार, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग द बेस्ट टूर्नामेंट एवर विटनेस्ड टिल नाउ। हाँ, पार्टी विद एसेट एनटीएक्स, एसेट एनटीएक्स तो नहीं हुआ, सोल एनटीएक्स की पार्टी हो गई है, सोल एनटीएक्स की पार्टी हुई है, हम लोग सब गए थे। सिर्फ आई डोंट थिंक सोल में से सोल पूरा सोल नहीं बोल सकते यार, रॉनी नकुल और स्पॉर नहीं थे, बाकी मान्य हो गया, अभी बाकी लोग थे, हम लोग सब चिल विल कर रहे थे, एक रूम में थे, मस्त मजे किए हम लोग रात तक, लेट नाइट तक, फिर हम जाके सो के अब मैं इधर पहुंचा हूं। भाई डाउट क्या था, और मैं तो ये बोल, लोग बोलते हैं स्काउट तो टीम बदलता है, भाई मैं टीम बनाता हूँ, और आई एम सुपर हैप्पी, एक मैंने चैंपियन टीम खड़ी करी, एक चैंपियन टीम खड़ी करी है, ऑब्वियसली बात है मेरा जितना एफर्ट है उससे 100 गुना ज्यादा एफर्ट मेरे लॉन्डो का है, सो मैंने चैंपियन टीम खड़ी करी, खरीदने के लिए मैं चैंपियन टीम खरीद सकता था, बट यस चैंपियन टीम बनाई हमने, सो ह्यूज शाउट टू ऑल माय बॉयज जिन्होंने गान तोड़ी। सोल को था, सोल यार, यहाँ सोल कैसा गया, हम कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने आपको नहीं पता, कैसे बोलते ना कि फॉल्स चैंपियंस बन के अपना को चैंपियन बोलने लग जाते हैं, आई डोंट नो हाउ, बट वही चीज़ है कि मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग ऑन पेपर स्टार्ट कुछ है ही नहीं, बट मैं खुद खेल दिया, मेरी टूर्नामेंट है, हम टूर्नामेंट जीत गए, हम ये कर दिया, हम वो कर दिया, हम चैंपियन, ऐसा बोलते हैं, नहीं पता क्यों बोलते हैं, इट्स फनी, क्योंकि जो एक्चुअल चैंपियन टीम है वो कभी चीज़ बोलती नहीं है, वो सीधी बात है, भगवान ने मेरे को वो वाला सपोर्ट नहीं दिया, ये वाला सपोर्ट नहीं दिया, बहुत लेट मिल रहा है चीज़, अगर ये मेरे पास पहले से होता मैं बहुत पहले से बहुत चीज़ें कर दिया होता, सीनियर है और कुछ नहीं, अपने पास ये नहीं था स्टार्टिंग से। भाई जाए सुनो सुनो सुनो, मेरे को एक और से पता लगा गाइस, कल मैंने पता है कल मैंने स्टेज पे एक स्पीच दी थी छोटी सी, मैंने बोला था कि बहुत लोग कंपटीशन करते रह गए और हम ट्रॉफी ले गए, भाई मुझे एक बात बताओ, जो टीम उधर है ही नहीं मैं उनको कंपटीशन बोल के क्या बोलूँगा, कुछ लॉजिक बनता है कि उनको ट्रोल करने का लॉजिक बनता है, नहीं बनता, हमारा बैंटर है, बैंटर बैंटर तक सही है, मैं इन जनरल कंपटीशन बोल रहा था, क्योंकि बहुत सारी टीम्स है जो बोलती थी टीम एक्स पास टॉप थ्री कंटेंडर नहीं है, जो एक्चुअल टॉप 16 में थी, मैं उनकी बात कर रहा था, तो लोग वहाँ पे गलत मिले, और एक और चीज मैंने बोला था, एक थोड़ी पर्सनल थी जो मैंने बोली थी कि यार बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों ने बोला कि स्काउट क्या टीम नहीं चला पाएगा, अकेले क्या कर लगा, ये पता किन के लिए है, ये उन कुछ ओनर्स और ओनर्स स्पेसिफिकली जो यहाँ पे सोल एडमिट टीएक्स के अलावा जितने और उनमें से कुछ कुछ और ओनर्स जो मेरे मुंह के बहुत अच्छे रहते हैं और मेरे पीठ पीछे बहुत बोलते हैं, उन्होंने बोला था, और नाम तो ऑब्वियसली नहीं बोला कि भाई अकेले क्या कर लेगा, पैसा वेस्ट कर रहा है, ये वो फलाने माना, हम कर देते स्पॉन्सर, अब आए भी थे कि टीएक्स को हम कर देते, हमारा ये हमारा, हम कर देंगे स्पॉन्सर, चूतिया बना के, बहुत सारी चीज़ें था, ठीक है, तो मैंने बोला था वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे सामने थक था, मैंने थक का नाम लिया, तो पता एक और एजेंडा जो लोग फैलाए हेटर्स ने, गोल्डी भाई को जाकर अटैक कर रहे हैं, वो गोल्डी भाई को इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहे, स्काउट ने आपको ऐसा बोला, बोला भाई तुम थोड़ा यहाँ से बुद्धि कम है कि क्या है, मुझे पता मैं किनको बोल रहा हूँ, उसे देखो ना मुझे फर्क पड़ेगा, ना गोल्डी भाई को फर्क पड़ेगा, ना थक को फर्क पड़ेगा, फर्क पता किनको पड़ेगा, जो जेन्युइन एकदम इनोसेंट से फैंस है, जो आते हैं सिंपल स्पोर्ट्स देखे आते हैं, उनको क्या देखिए, अरे भाई दो लोग झगड़ रहे, कौन झगड़ रहे, ये लोग झगड़ रहे, तो लोग मान लेते हैं, ये सब चीज़ों के लिए, तो बस यार यहाँ पे जो भी है मैं आपके सामने क्लियरली बोल रहा हूँ, बस सिंपल सी बात है यार, मतलब कितनी गंदगी फैला रखे लोगों ने, क्या ही बोल सकते, बट ठीक है, हेटर्स है, फैंस है तो हेटर्स रहेंगे। कॉमर्स कार्ड भाई फॉलोइंग यू फ्रॉम 2019 उरुस का भाई, मैंने आप देखो अनिमस भाई, मैंने बोला था मैं खुद खेल के, देखो मेरे दो सपने थे, प्लेयर बनने से पहले एक सपना था कि ट्रॉफी उठानी, अब ओनर बनने के बाद दो सपने हो गए कि एज ए ओनर उठानी, एज ए प्लेयर भी उठानी है, एक सपना पूरा हुआ, एज ए प्लेयर उठाना बाकी है, और आई पर्सनली फील अंदर बहुत है अभी टाइम, रिटायरमेंट बहुत दूर है, तो 110% उठाएंगे हम लोग। हाँ छोटा सा है चीज़ की, अब मैं सुबह सॉरी मैं पढ़ रहा है, बहुत सुपर फोकस ही करना है कि हमें ऑफिशियल जीतना, अभी आप अगर रोड मैप देखेंगे तो बीजे में सारा अनऑफिशियल है, भले आप उधर 10 करोड़ के लाइन बना दो, बट है तो अनऑफिशियल एट द एंड ऑफ द डे, तो उसके बाद क्या रहा है BMPS, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा जो कोची में होने वाला है, फिर उसके बाद आई थिंक आ रहा है मंगोलिया, इंडिया मंगोलिया गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आ रहा है, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे, हम सारे ऑफिशियल्स को पूरा फोकस करेंगे कि हम एनी हाउ वी ट्राई टू विन इट, सिंपल है, क्योंकि देखो यार मतलब सही बताओ तो मैं अपने फैंस को प्लीज करने के लिए, मैं जनरली स्पीकिंग में टीम जीरो के साथ खेल के लेजिट एक हफ्ते में कम से कम दो टूर्नामेंट होते हैं, एक टूर्नामेंट में बच्चे में कुछ टीम्स खेलेंगे जहाँ सीरियस नहीं खेलेंगे, वहाँ खेल के कुछ कुछ करके आपको मैं दे दूंगा यार, मैंने ये जो तुम लीक्स नहीं है, इंस्टा पे पोस्ट पड़ी है भाई किसी की, ईस्पोर्ट्स समझ ने पोस्ट डाला, रुको मैं दिखाता हूँ रिएक्शन, ऑब्वियसली घर वाले भी बहुत खुश हैं, थैंक्स लॉट मैन, थैंक्स लॉट, और बाकी मैं तो यही बोलूंगा यार, पता है मैंने ये तो देख लिया मेरे लाइफ में, फैमिली के अलावा, ब्लड रिलेशन वाली फैमिली के अलावा, जो लोगों ने मेरे पे अंधा ट्रस्ट किया ना टीम एक्सपर्ट को भी साइड कर दो, वो तो फैमिली के इसमें भी आ जाती है, आई थिंक तीन नाम मैं लूंगा जिन्होंने मेरे को मेरे डाउनफॉल पर भी बोला कि तू कर लेगा, ऑन जेन्युइन नोट, इनके अलावा आई डोंट थिंक किसी ने मेरे को वैसा बोला है कि यार स्काउट कर, हर टाइम लोग बोलते थे कि यार छोड़ दे बंद कर दे स्पोर्ट्स, छोड़ दे ये छोड़ दे वो छोड़ दे, फलाने मैंने बोले सबसे पहले ताशवी,
सेकंड गोल्डी बैंक थर्ड थग सिंपल तीन नाम बोलूंगा और ये उसके लिए बोलूंगा कि थग मेरे को मैनेज करता है अबे यार तो इसलिए नाम नहीं वैसा बात नहीं है बहुत लोगों ने जाना है मैं एक एरोगेंट यंग किड से मच्योर गए बनने में इन तीन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है सीरीज में सो अगेन थैंक्स लॉट मैन फॉर बीइंग इन माय लाइफ ऑल द बिग थ्री बोलते हैं बिग थ्री है मावी यार मावी मैं प्लेयर्स ये वो उनको नहीं इंक्लूड करता मैं इन जनरल जो मेरे साथ एक फैमिली के हिसाब से जो जुड़े हुए थे अब ऐसा तो बहुत लोग है मोटल है मावी है मांबा है मैं गिनती कराऊंगा आप लोग फिर बोलोगे यार इसका नाम छोड़ दो उसका नाम छोड़ दो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा था अब यही दिक्कत आती है पता है कि एक एक बंदे को मैं अगर मैं बोलूँ ना कोई ना कोई छूट जाएगा अभी सबका नाम थोड़ी छूट जाएगा ऐसा सबने किया मेरा भी एंड जो हमारा लास्ट अपडेट है वो है मवी भाई से तो मवी भाई का आपको तो कम बैक तो पता ही है हैशटैग टू BGIS में तो लाइक उनका क्या रिएक्शन था वो आप देख सकते हो कम बैक क्या बोला था मैं कुछ महीने पहले लड़को जी राउंड फोर क्वालिफाई नहीं हो पाएगी जी राउंड फोर तक तो आ गई सेमीज में हक देगी क्वालिफाई नहीं हो पाएगी जी पहले वीक में क्वालिफाई नहीं हो पाएगी जी फाइनल में हक देगी बट जी कहीं नहीं हगी थोड़ा सा लास्ट में बट यस कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम एक्सपर्ट वो लोग जीते मैं पहले थोड़ा सैड फील कर रहा था बट फिर तुम्हारे भाई ने एक चीज सोची हम सैड क्यों फील करें हम लोग टॉप टू आए हैं पूरे इंडिया में से हम लोग टॉप टू आए हैं और देखो हैशटैग टू के साथ कुछ अलग प्यार है हमारा तो अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते जो भी है अच्छा है डाउनफॉल तो चाहे भगवान कैसा भी दे लेकिन कमबैक मावी पाजी आपकी तरह हो अरे अरे अरे